अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो लेके। आपकी खिदमत में जो हाजिर हुआ वो बेसिकली कंसर्न्स हैं इटली में रहते हुए बच्चों को जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं यहाँ पे, और वो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि क्या GPA होनी चाहिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। देखो, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हो तो जो मिनिमम बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 55% और 60% है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू कमिंग एज अ मास्टर्स स्टूडेंट्स, तो जो मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट आती है वो ज़्यादातर 60 का इस दफ़ा का ब्रेक है, ठीक है। 60 से कम आपका अगर आप GPA की बात करो तो तकरीबन 2.6 बनती है, 2.7 बनती है, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप नंबर्स की बात करो तो आपके बैचलर्स के अंदर जो है वो जो ग्रेड्स होने चाहिए वो तकरीबन, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप मास्टर्स परसू करना आना चाह रहे हो तो आपके जो ग्रेड्स होने चाहिए वो 2.7 से ऊपर का GPA होना चाहिए, और जो परसेंटेज की अगर आप बात करो तो तकरीबन 60% मार्क्स होने चाहिए। ये हो गया मास्टर्स के लिए। बैचलर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि आपका जो ग्रेड्स हैं, कुछ कोर्सेज में ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसमें 57-58 पे भी काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है, आपने जो कंप्यूटर किया है, या आपने बैचलर्स आपने जो ट्वेल्थ किया है वो कॉमर्स में किया है, आईकॉम किया हुआ है, या आपने प्री मेडिकल में किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो आगे जाके आपने जो कोर्स सेलेक्ट करना है वो उसी फील्ड के हवाले से करना है, इधर उधर आगे पीछे नहीं जाना। अगर मेडिकल पढ़ा है तो इंजीनियरिंग में नहीं जाना, इंजीनियरिंग पढ़ा है तो इंजीनियरिंग ही पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर में किया है तो कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ेगा। इसकी वजह से अक्सर ये भी होता है कि आपका एडमिशन समटाइम्स हो जाता है लेकिन आपको इन दी एंड वीज़ा लगने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने वो काम नहीं करना जिससे हमारा टाइम ज़ाया हो, और हमने ये कोशिश करनी है कि जो GPA बताई हुई है उसी कोर्स के अंदर आपने इनरोल करना है अपने आप को। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, GPA लिखी भी आ रही होती है, सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं, तो जस्ट डू योर सेल्फ फेवर, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर इटली इन इटली। अगर आपका GPA लो है, अगर आपका GPA 55% है, 52% है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर इटली के लिए परसू करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए लेकिन इन दी एंड योर वीज़ा इज़ गोइंग टू बी रिजेक्टेड। कभी कभार होता ही है कि कुछ बच्चों की स्टूडेंट्स की बेसिकली जो इनका GPA कम होता है तो उनकी प्रोफाइल फिर बेहतर होनी चाहिए। लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, ठीक है, आपका बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट अगर 2.6 2.7 मिलियन है, 2.8 मिलियन है, आपके फंड्स लीगल हैं, जस्टिफाइड फंड्स हैं, आपके जो वालिदैन हैं अगर वो आपके स्पॉन्सर्स हैं और उनके बहुत कोई स्टेबल जॉब है या स्टेबल कारोबार है और उनके फंड्स रेगुलरली जस्टिफाइड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। इसके अलावा आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए, या तो इटालियन कोर्स कोई कर लो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश टॉट कोर्सेज हैं तो आप IELTS का कोर्स लाजमी करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपका काम हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि यार जो भी आ रहा है वो IELTS कर ले तो बेहतर है, थोड़ी सी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। उन लोगों के लिए जिनके या तो मार्क्स कम हैं या बैंक स्टेटमेंट का मसला है, तो यहाँ से कवर कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोफाइलिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सीन ये होता है कि बहुत ही कम GPA है, लाइक 55% है, 58% है, तो उसके अंदर एक तरीका ये भी है कि आप फाउंडेशन कोर्स पे आ सकते हो। फाउंडेशन कोर्स के बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बना दूंगा, भाई डिटेल वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। बहरहाल फाउंडेशन कोर्स भी एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हो। प्लीज़ GPA और परसेंटेज जब भी केस परसू करो अपने इटली का, ये चीज़ें पहले मेंशन कर दो, किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो या आप खुद ही अपना केस, देखो इटली का केस जो है खुद किया जा सकता, ये ऐसा केस नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप 100% कर सकते हो, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा और वो आप कर सकते हो। बिज़ी हो वो एक अलग बात है, आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, मैं पहले कंसल्टेंट्स को मैंने बहुत डिस्करेज किया, लेकिन अब मैं खुद इस प्रोफेशन में घुस गया हूँ, क्यों घुसाऊँ उसका भी एक छोटा सा रीज़न दे देता हूँ कि हमारे सामने पिछले साल की काफ़ी सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हमें बहुत ही अजीब से एग्जांपल्स हमारे सामने सेट हुई, तो हमने जो कंसल्टेंसी इस दफ़ा स्टार्ट की है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। जो चार्जेस आपसे लेते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, मतलब अगर हमने कोई चीज़ आपसे कमिट की तो वो अगर हमने नहीं की तो हम उसमें आपको पैसे वापस करते हैं।
जो पैसे हमारे खर्च हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आपने एडमिशन आपका अप्लाई किया, एडमिशन की आपने फीस पे की है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डेफिनेटली वो पैसे तो मैं वापस नहीं करूँगा. लेकिन जो द मनी इज़ नॉट गोइंग टू कम इन माई पॉकेट एज फार एज अगर मैंने कुछ कमिट किया, यानी कि सबसे पहले तो यही है ना, हम आपसे आपकी प्रोफाइल मंगवा लेते हैं, फिर हमें पोटेंशियल देखते हैं कि यार पोटेंशियल है कितना. अगर पोटेंशियल दिखता है तो ही इस चीज़ को आगे परस्यू किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता. तो प्लीज़ अपनी प्रोफाइलिंग थोड़ी सी बेहतर करो और जो GPAs हैं उनको देख लो. जब भी कोर्स अप्लाई करो, जिस तरीके से अभी हमारे पास एक कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी 3.3 GPA है और उनको AI पढ़ना है, ठीक है. तो AI की जो अभी तक की मेरी रिसर्च है, हो सकता है कुछ प्लस माइनस कोर्सेज हो, लेकिन एक भी कोई कोर्स ऐसा ऑफर नहीं हो रहा जिसके अंदर 3.2 से मिनिमम GPA के अंदर AI का कोर्स ऑफर हो रहा हो. तो बेहतर यही है कि उसमें ना जाओ. जाओगे एडमिशन हो सकता है हो जाए, ठीक है, एडमिशन हो सकता है हो जाए, लेकिन इन दी एंड योर वीज़ा इज़ गोइंग टू बी रिजेक्टेड. पूरा जो 6-8 महीने का पूरा प्रोसेस है ना, वो ज़ाया हो जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. फिर आप ही गालियाँ दे रहे होगे इटली को. तो वो मिस्टेक्स हमने नहीं करनी जो आगे जाके जिसके ऊपर हमें रिग्रेट हो, ठीक है. एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा, अक्सर जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हवाले से भी बहुत कंसर्न है. देखो, अगर लीगल फंड्स हैं, जस्टिफाइड फंड्स हैं, आपके जो पैसे हैं वो जस्टिफाइड सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिटर्न से करते हैं इटालियन एम्बेसी, और कोई उनके पास तरीका नहीं है. अगर पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न के अंदर आपके पैसे जस्टिफाइड हैं, ओनली देन यू विल बी ग्रांटेड अ वीज़ा. अगर पैसे जस्टिफाइड नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता, बता नहीं सकते कि पैसे कहाँ से हैं, तो इन दी एंड यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम यार. और अगेन इन दी एंड ये काफ़ी सारी कैसेट जला दी है मैंने, 7 मिनट की तकरीबन. तो प्लीज़ जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम. और अगर पोटेंशियल है, अगर दिखता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी GPA बेहतर है, 62 है, 63 है, 58 है, 59 है बैचलर्स करने के लिए, तो TOLC के एग्ज़ाम देना है उसमें अच्छा स्कोर करना है, IELTS के एग्ज़ाम देना है उसमें बेहतर स्कोर करना है, ठीक है. तो जो साइड की बाकी की चीज़ें ना, उसकी तरफ आ जाओ और उसके अंदर बेहतर स्कोर करने की कोशिश करो, तो उससे आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल जो है वो बेहतर हो जाएगी. तो दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकट्स जो मैंने सोचा मैं आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से बता दूं कि GPA क्या रिक्वायर्ड होती है. स्टिल अगर फिर भी कोई क्वेश्चन फंस रहे हो, कहीं समझ में आ रहा है, तो कॉमेंट करना. बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास मेरे एड ग्रांट के पेज पर चले आते हैं और वहाँ पे मुझसे सवाल कर रहे होते हैं. मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, वहाँ पे मेरी टीम अवेलेबल है. वहाँ पे एक बंदा है जो आपको रिस्पॉन्ड करता है, वो कंसल्टेंसी का काम करते हैं भाई वहाँ पे एड ग्रांट वाले. मैं आपको अगर कुछ सवाल करना है तो मुझसे पूछो. मेरी भी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसका भी लिंक नीचे आ रहा है, और जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी मेरा नहीं है भाई, मेरी टीम का है. 7 लोगों के पास उसका एक्सेस है, 7 लोग उसको एक साथ देख रहे होते हैं, तो उस पर जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है. तो गाइस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चाओ.